आधा हिंदुस्तान बाढ़ और बारिश की चपेट में है। राजस्थान में गंगानगर में बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया है। 8 घंटे में 226 मिलीमीटर बारिश से शहर में सैलाब आ गया। घर दुकान सब डूब चुके हैं। सड़कों पर कमर से लेकर गले तक पानी है। गाड़ियां जहां की तहां फंसी हुई हैं। निचले इलाकों से पानी निकालना भी मुश्किल हो गया है। घरों में पानी घुस चुका है, सामान तैर रहे हैं। गंगानगर में तो कलेक्टर की गाड़ी ही पानी में फंस गई। सीकर में जल भराव से परेशान एक शख्स मोबाइल टावर पर जा चढ़ा। 3 घंटे की भारी मशक्कत के बाद उसे उतारा गया। बूंदी में सैलाब के बीच से पुल पार करना बाइक सवार को भारी पड़ा। पानी की धार में बाइक बह गई, साथ ही 3 सवार भी डूब गए। 2 को गांव वालों ने बचा लिया, लेकिन एक का पता नहीं है। मध्य प्रदेश में भी पानी का प्रकोप दिख रहा है। नर्मदापुरम के भांबरी गांव में लाठिया नदी ने ऐसा उत्पात मचाया कि पूरा का पूरा गांव ही जलमग्न हो गया। उज्जैन में शिप्रा नदी ने उफान भरी तो पानी मंदिरों के गुंबदों को छूने लगा। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए। तेलंगाना में भी बारिश से तबाही है। भद्राचलम में गोदावरी नदी में पानी बढ़ने से कई गांव चपेट में आ गए हैं। तेलंगाना के एलुरू में नेवी के 2 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव के काम में लगे। आंध्र प्रदेश के एलुरू में गोदावरी का पानी बढ़ता जा रहा है। खतरा है कि कहीं किनारा तोड़कर आसपास के इलाकों में ना फैल जाए। कर्नाटक के करवाड़ में बारिश का पानी डायलिसिस सेंटर तक पहुंच गया। अंदर पानी भरा है, सारे मेडिकल सामान डूबे हुए। आज तक ब्यूरो। पश्चिमी भारत में बारिश और बाढ़ से तबाही खत्म ही नहीं हो रही। महाराष्ट्र में भी बारिश से हाल बेहाल है। 1 जून से यहां बारिश और बाढ़ के कारण 102 लोगों की जान जा चुकी है। नागपुर में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान मारने लगे, सड़क पर सैलाब उमड़ आया। कोल्हापुर के धनबाड़ में दूधगंगा नदी शोर मचा रही है, पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। नदी के ऊपर पुल से गुजरते वक्त चालक अपनी गाड़ी से कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी नदी में गिर गई। पास के किसानों ने काफी मशक्कत करने के बाद कार चालक की जान बचा ली। चंद्रपुर में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, कई इलाके यहां अब भी पानी पानी है। पालघर जिले में तो कई रास्ते ही बारिश में बह गए। मुंबई में तुलसी झील भी लबालब है, पानी अब झील से निकलकर बाहर तक आ गया है। गुजरात में कई इलाके अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। नवसारी और वलसाड़ में तो 17 दिनों से सूरज के दर्शन नहीं हुए। हर तरफ पानी ही पानी है, लोग घरों में कैद हैं। नवसारी में राहत और बचाव का काम जारी है। 800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जानवरों को भी बाढ़ वाले इलाकों से निकाला गया। सूरत, जूनागढ़, गिर, भावनगर, तापी, डांग, वलसाड़ और नवसारी समेत 8 जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। नवसारी से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर भी बारिश आफत बनकर बरसी। रुद्रप्रयाग में अचानक पहाड़ धरका और सारा मलबा भर भराकर सड़क पर आ गया। वो शुक्र था कि कोई गाड़ी चपेट में नहीं आई, वरना क्या हाल होता समझा जा सकता है। पहाड़ से टूटकर सड़कों पर बिखरने से बद्रीनाथ हाईवे घंटों बंद रहा, गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। बागेश्वर में भी बारिश की तबाही पसरी हुई है। कहीं सड़कों पर पहाड़ टूटकर बिखरा है तो कहीं बरसाती नालों के साथ सड़कें ही बह गईं। कई इलाकों का बाहर से संपर्क कट गया। पहाड़ों पर नदियां भी हुंकार भर रही हैं। उत्तराखंड के रामनगर में सड़कों पर सैलाब आया हुआ है और लोग जान जोखिम में डालकर इसी के बीच से आ जा रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगा की लहरों का ये शोर खौफ पैदा कर रहा है। गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगोत्री धाम के पैदल रास्ते के नीचे दीवार पर भूकटाव हो रहा है, जिससे पैदल रास्ते सहित आसपास बने घरों को बड़ा खतरा बना हुआ है। अलकनंदा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसने आसपास के रहने वालों की टेंशन बढ़ा दी। आज और कल पहाड़ों पर बारिश का अलर्ट है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल के कांगड़ा में तो बारिश ने घर की नींव इस कदर हिलाई कि घर ही भरभरा कर गिर गया। उत्तरकाशी से ओमवार बहुगुणा और बागेश्वर से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।